समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। नगर निगम के सफाई कर्मियों से उनकी ड्यूटी लगवाने के और काम कराने के एवज में अवैध रुपए लेने वाले मुकदम को रंगे हाथों दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक सीपी बाजार क्षेत्र में तैनात नगर निगम का मुकदम नीरज साहू के खिलाफ पिछले कई दिनों से ड्यूटी लगाने के नाम पर अवैध रुपए लेने की शिकायत मिल रही थी। इसी सूचना पर एंटी करप्शन टीम ने अपना जाल बिछाते हुए मंगलवार को दोपहर के समय सीपी बाजार क्षेत्र के कच्चे पुल के पास महिला सफाई कर्मियों से ड्यूटी लगाने के नाम पर अवैध रुपए 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। टीम उसे पकड़कर थाना सिपरी बाजार ले गई, जहां उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली सफाई कर्मचारी महिला पिछले कुछ महीनों से लकवे की मरीज थी। उसके हाथ पैर नहीं चलते थे। उसकी ड्यूटी सिपरी बाजार के वार्ड नंबर 43 में लगी थी, लेकिन लगातार उसकी वेतन निकलती रही। यह बड़ा जांच का विषय है कि आखिर उसका वेतन कैसे निकलता रहा। सूत्र बताते हैं कि उस महिला सफाई कर्मी की पिछले दिनों मृत्यु हो चुकी है। कौन कहा जाए? हाँ। तो इसलिए वे हमसे पैसे मांग रहे थे। हाँ। 2800 रुपए हो रहा है, तो कह लगे 200 और दे दो इस महीने के। हाँ। वो भी दे दिए। हाँ। और आए दिन को हमें भगाते थे, छुट्टी 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 नांगा लगाते थे। कौन है ये? कौन है वो? हमारा सुपरवाइजर है मुकदम। क्या नाम है? नीरज साहू। ठीक ठीक। पैसे लेते थे आपसे? हाँ, 200 रुपए छुट्टी लेते थे, 200 रुपए महीने के। मतलब ये छुट्टी लगाने के पैसे लेते थे? छुट्टी तो पैसे और लोगों से भी लेते हैं? सबसे लेते, पूरे स्टाफ से। और कौन है यहाँ स्टाफ? स्टाफ तो सब ही है। तो भैया लेते हैं पैसे? आप नहीं हो?